जगड़ा साहब ये बताएं कि आज रैली निकाली जा रही है, किस मकसद के लिए है, क्या करना? सिर्फ पेशावर रीजन में कोई 295 मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में और विलेज काउंसिल्स में जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड हुआ, उसका रिकॉर्ड आपके पास पहुंच जाएगा। और उसकी एक वजह, 75 साल इस मुल्क में ये सोचा गया, और इसमें सबसे पहली गलती सियासतदानों की है, लेकिन उन कॉम्प्रोमाइज़ की भी है जो सियासतदान करते हैं, कि इस मुल्क के अवाम के साथ हम जो भी करें वो खामोश रहेंगे। तब्दीली ये आ गई है कि इमरान खान ने अवाम को और खास तौर पे नौजवान तबके को और वर्किंग क्लास को बेदार कर दिया, और उन्होंने लकीर खींच दी है कि हमारे फैसले हम खुद करेंगे। जो फिलहाल आईन के साथ मजाक हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ लोगों के साथ और पंजाब के 12 करोड़ लोगों के साथ, कि उनसे उनके वोट का हक ले लिया गया। अगर वोट का हक नहीं है आवाम के पास तो फिर तो हम बकरियां हैं ना, और ऐसे तो हो नहीं सकता। ये हक तो हमें आईन में दिया गया, और जब जब ये तोड़ा गया है उसकी कीमत पाकिस्तान ने अदा की है। तो ये कौम उठेगी इमरान खान के साथ सुप्रीम कोर्ट के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट बगैर डरे इंसाफ कर सके, और अवाम अपने हक के लिए कि वो और कुछ नहीं वोट का हक मांग सके। फिर उन्होंने जिनको वोट देना है वो दे, लेकिन हमारे Yeah.